एक छोटे सा शहर या गांव से निकलकर हिंदी सिनेमा में पहचान बनाने के लिए चाहिए सपना देखने की हिम्मत, बिना टूटे सालों तक संघर्ष करने के लिए चाहिए धैर्य, और भीड़ से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चाहिए हिम्मत और हुनर। आज के ये फिल्म नहीं आसान में मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे ही प्रतिभाशाली एक्टर से जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा और हाल ही में अभी उनकी एक फिल्म ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हुई है। कौन है ये, मिला दूं बस थोड़ी सी देर में। सर स्वागत है आप। स्वागत है, नमस्कार। और मैं बात कर रहा था पंकज त्रिपाठी साहब की, सब जानते हैं आप लोग इन्हें, कहते हैं कद्दावर एक्टर। वो अभिनेता है बस। अभिनेता है और ये इनका घर है मेरे ख्याल में। ये आप यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं। जी बिल्कुल, इस आइए ना, आइए तो अंदर। जी, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से रह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन जो संघर्ष रहा आपका वो किधर था, वो कौन से घर में था? वो यहाँ से दूर है, एक खिड़की से दिखता है वो घर, तो 12-13 साल वहाँ गुजरा है। अच्छा, वो मुझे ज्यादा पसंद है, तो हम आगे की बातचीत लगता है ना वहीं करेंगे चल के। जी जी, घर में कौन कौन है अभी आपके? बेटी स्कूल गई है। कितनी बड़ी है वो? वो 11 साल की है। मेरी पत्नी है सोनू, ये है। आप हैं मृदुला जी। जी, कैसी लगती है आपको इनकी एक्टिंग? अच्छी। ये तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी क्रिटिक यही है क्या? सबसे बड़ी, हाँ, हाँ, हाँ। 2004 से लेके अब तक जब से आप लोग मुंबई आए, क्या बदलाव आपको देखने के मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, इज द सेम। बतौर अभिनेता ऑफ कोर्स ही हैज ग्रोन, बहुत ग्रोथ हुआ है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसको क्रिटिसाइज करती हूँ और फिर उस पर भी ये काम करता है। आई मीन ही टेक्स इट वेरी नाइसली, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। कितना ही एक्टिंग पढ़ लीजिए साहब, जो पत्नी पढ़ा चाहिए वो कोई नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता, गलत तो नहीं बोलती। नहीं नहीं, सही सही बोल रही। मैं पहले अमूमन बहुत तेज बोलता था, जिंदगी में बहुत फास्ट बोलता हूँ, एक्टिंग में भी, तो ये अक्सर मुझे टोकती थी कि थोड़ा ठहर के तो बोलो, पहले खुद समझो तब तो बोलो, दूसरे समझ पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा टिप्स था इनकी तरफ से, जो मेरी एक्टिंग में थोड़ी बहुत ठहराव आई है और जिंदगी में भी। इनफैक्ट इनिशियल डेज में ना, जब हम मुंबई आए थे तो बहुत स्ट्रगल, अब नए एक्टर हैं, भले ट्रेनिंग करके आए हो, कौन पूछता है। तो कल लखनऊ में पूछ रहे थे कुछ बच्चे के, टिप्स दीजिए। मैं बोला कि टिप्स यही है कि कोई योग्य लड़की से शादी कर लो ताकि घर चला ले। तो ये कमाती थी स्कूल में, टीचर अभी भी पढ़ाती हैं? नहीं, मैंने अभी कुछ 2-4 महीने पहले छोड़ दिया। छोड़ दिया, तो ये कमाती थी, तो एटलीस्ट हमारे बेसिक घर का रेंट और खाने पीने के जो खर्चे थे वो निकल जाते थे। तो मैं स्ट्रगल, इतनी फ्रीडम थी कि मुझे किराए की चिंता नहीं होती थी या खाने के कैसे चलेंगे। तो वो बड़ा जरूरी है कि इस फील्ड में एक सपोर्ट सिस्टम होना वैसा। तो अब हम चलते हैं चाय पी के थोड़ा। हाँ, चाय आ गई है। जी जी, चाय रखी है तो हम चाय पीते हैं फिर चलते हैं उस घर पे। हाल ही की आपकी फिल्म रिलीज है न्यूटन, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ नजरिया इंडस्ट्री का तो पहले तो बदला ही होगा, लेकिन इस फिल्म के बाद ऑडियंस का और इंडस्ट्री का दोनों का नजरिया बदला होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सेकंड लीड आप प्ले कर रहे हैं, आप बराबर का रोल है, जितना रोल राजकुमार का है उतना ही आपका, और सोने पे सुहागा ये होगा कि फिल्म ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हो गई। तो उसके बाद से आप क्या बदलाव देख रहे हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? काफ़ी बदलाव है दोनों तरफ से। लोग मिलते हैं, न्यूटन की तारीफ करते हैं और साथ साथ मेरी भी तारीफ करते हैं। इंडस्ट्री साइड से भट्ट साहब का एक दिन फ़ोन आया, शुरुआत में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की। मैं तो ऐसे सरप्राइज था, महेश भट्ट फ़ोन पर दिख रहा है, तो बोले यार मैंने कई सालों बाद इतनी ट्रूथफुल परफॉर्मेंस देखी है, तुम कहीं फॉल्स नहीं थे, इवन वाइडर फ्रेम में भी जहाँ पीछे खड़े थे। तो मुझे लगा मैं गले लगाऊं, बट अभी फ़ोन करता हूं, जब मिलोगे तो गले लगाऊंगा। आई थिंक न्यूटन के बाद कम से कम 20 स्क्रिप्टें आ चुकी हैं मेरे पास, मैं सबको पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा है सर, और ये चीज़ अचानक रातों रात नहीं हुई है, कोई चमत्कार की तरह नहीं हुआ है, इसमें बड़ी तपस्या, मेहनत, किस्मत सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको बरकरार रखने की चुनौती है। मैं लोगों को बता देता हूं कि आपके जो पिताजी हैं वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, और इनका मन था एक्टर बनने का, और वो भी शायद छठ पूजा के टाइम पे एक नाटक हुआ, आप ही बताइए क्या होता था। छठ के समय, छठ के परना पे एक परंपरा थी मेरे गांव में, बहुत एमेच्योर किस्म का नाटक होता था, वहां करता था, वहां से करते करते फिर पटना आया पढ़ाई के लिए, फिर पटना में
छात्र संगठनों में जुड़ गया, रंगमंच देखने लगा, फिर धीरे धीरे करने लगा। लेकिन वो मुझे वो वक्त बताइए जिस दिन आपने अपने फादर को ये बोला, क्योंकि आपके फादर मेरे ख्याल में पूजा पाठ करते हैं, फार्मिंग है, किसान है जी, पंडित ब्राह्मण फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। तो मैंने उनको बोला मुझे मेरी डॉक्टरी में मन नहीं लग रही है, तो क्या करोगे तुम? मैं बोला मुझे नाटक वाटक करना है। तो सिर्फ पूछे नाटक ये क्या होगा इससे? तो मैंने बोला सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो बोले रोजी रोटी चल जाएगा तुम्हारा? हम बोले हाँ हाँ, वो तो एनएसडी करूंगा, एक जगह है दिल्ली में, भारत सरकार की संस्था है। तो हमारे यहाँ जब सरकार से रिलेटेड कोई बात आए ना तो घर वाले संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी सरकारी भारत सरकार की संस्था में। इसलिए आपने जान के सरकारी संस्था सरकारी का जिक्र किया, क्योंकि हमारे पास न पैसे थे न इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर हमें एक्टिंग सीखने के लिए 2 लाख देने होते तब मैं शायद एक्टर नहीं बनता, क्योंकि बाबूजी बोलते नहीं पैसे तो नहीं दूंगा। वो वक्त कौन सा था जब आप होटल में आलू प्याज छील रहे थे? 98-99 का, कि वो 93 में पटना आया था और बीच में कुछ हो नहीं रहा था, थिएटर चल रहा था, भटक रहे थे, साइकिल पे पढ़ाई भी चल रही थी साथ, पढ़ाई भी चल रही थी ग्रेजुएशन की। तो घर से दबाव आया कि तुम कुछ तो टेक्निकल, चाचा मेरे चाहते थे कुछ पढ़ लो, ताकि उन्होंने बोला कि इंडियन कुक का डिमांड बहुत है यूरोप में जापान में, तो तुम भारतीय रसोईया बन जाओ। तो मैंने 2 साल की एक ट्रेनिंग की, वो अगेन भारत सरकार की एक संस्था से, FCI, अच्छा, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग करके 98-99 में पटना में एक मौर्या होटल है जी, मैं रुका हूँ उधर। हाँ हाँ, तो उसमें किचन में था मैं, तो बिगनिंग में तो ट्रेनी था, हम प्याज आलू छिलते थे, फिर धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट में 3-3 महीने काम किया हूँ मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था वो, बहुत सही समय था। चलिए वो बातें हम बाकी और करेंगे नीचे, अब उस तालाब के पास भी चलते हैं जहाँ आपने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी है। जी जी, तो बाकी बातें उधर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपने जो ट्रेनिंग अपनी ली FCI से और फिर उसके बाद आपने होटल में काम करना शुरू कर दिया जी। 2 साल, बट उस वक्त भी वो सपना जो था अंदर उस वक्त पनप रहा था तभी भी कि आपको वही करना है, या बीच में भटक गए थे? नहीं भटका, हाँ थोड़ा सा भटकाव था कि यार होटल में थोड़े कुक बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, बट एक 2 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि यार मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। कुछ लोग बोलते थे उस वक्त, देखो तुम बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पैशन से न्यूरो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग जरूरी है। तो वैसे ही वो टीचर बोलते थे ऐसी बातें कि यार एक्टर के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो फिर लगा ट्रेनिंग ड्रामा स्कूल में मिलती है तो चलो, तो दाखिला देना शुरू किया, इम्तहान देना, 3री दफे में हो गया। मतलब वो आपने 2 बार पहले ट्राई किया? 2 बार ट्राई किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ, 3रे अटेम्प्ट में हो गया 2001 वाले में जी। पर वहां जाने के बाद आपको लगा कि आपने डिसीजन ठीक है? थोड़ा भय था, क्योंकि मैं कि हम अमूमन नाटक करने वाले लोग पढ़ाई से भागते हैं पढ़ाई से भाग के गए थे वहां, अगेन पढ़ाने लगे वो लोग, मोटी मोटी किताबें इंट्रोड्यूस हो गई कि ये पढ़ो वो पढ़ो, हमें लगा हाय राम फंस गए हम तो। समहाउ मैं काफी थिएटर करके आया था तो मैंने अपना समय थोड़ा वेस्ट भी किया ड्रामा स्कूल में, मुझे उसका एहसास। वेस्ट कैसे किया? मैम क्लास में ध्यान ही नहीं देता था पढ़ाई में, मुझे लगता अरे एक्टिंग जो है वो करने की कला है, पढ़ने की कला नहीं है। अब लगता है कि नहीं वो पढ़ने की भी कला है। मैंने सुना आप घबरा इसलिए भी गए थे कि वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते थे? अरे बाप, बहुत बहुत सही रिसर्च करके आए सर, सब पता है आपको। हाँ नहीं तो मैंने कहा ये आपने मुझे बोल के फिर से कॉन्शियस कर दिया है। नहीं हाँ, वो थोड़ी घबराहट हुई थी कि वहाँ एक तो मीडियम ऑफ एडुकेशन भी था अंग्रेजी, जो हमारे क्लासमेट थे या सीनियर्स थे वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजियत का माहौल था, और मैं हार्डकोर ठेठ देहात से आया हुआ लड़का। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे जो मुंबई के आने के बाद का आपका सफर है, और जो फिल्में आपने, जो स्ट्रगल, जो संघर्ष, जिसको आप संघर्ष नहीं कहते, उसके बारे में बात करेंगे जी।